hello everyone i hope you all are doing well today in this video we are going to discuss about phylum arthropoda phylum mollusca and phylum echinodermata firstly we are going to discuss about phylum arthropoda so it is the largest phylum of kingdom animalia because 80% of animal species belongs to phylum arthropoda here arthro means jointed and poda's word is related to legs or appendages हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें सो दे आर फाउंड आलमोस्ट एवरीवेयर फाउंड इन लैंड वाटर, एयर फ्रॉम स्नोई टॉप्स ऑफ द हाई माउंटेन टू द डेफ ऑफ द ओशन दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासाइट बोथ विद ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी कैसी रहेगी बॉडीज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इन टू हेड थोरेक्स एबडोमन और सिफेलोथोरैक्स एंड एबडोमन विध ज्वाइंटेड Means, इनकी जो लेग्स हैं वो किसके साथ ज्वाइंटेड होती हैं एबडोम के साथलेट्रल बॉडी प्लास्टिकल एग्जोस्केलेटन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम एंड देर यू सिलोम बट इन अडल्ट फॉर्म इट रिड्यूज एंड रिप्लेस बाई हिमोसियोल एंडेड अराउंड गेशन कैसा रहेगा एरोबिक इनके पास कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं गिल्स ट्रैकिया एंड बुक लंग्स यहाँ से बहुत सारी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि आर्थरोपोर्ट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से प्रेजेंट होते हैं गिल्स ट्रैकिया एंड बुक लंग्स बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेशन इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज प्रेजेंट एक्सक्रीशन कैसा रहेगा मेलफीजियन ट्यूब्यूल एंड ग्रीन और कॉक्सल ग्लैंड वाइल एक्सक्रीटरी सबस्टांस आर यूरिक एसिड इफ दे आर टेरेस्टियल आर्थरोपोर्ट्स एंड इफ दे आर एक्वेटिक आर्थरोपोर्ट्स दे हैव एक्सक्रीटरी सबस्टांसिज अमोनिया सेंसरी ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड एंड सिम्पलाइज फोटोरिसप्टर एंटीने प्रजेंट है इनके अंदर ऑल फैक्ट्री एंड टेंगो रिसेप्टर स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं फॉर बैलेंसिंग sexuality is they are unisexual with clear sexual dimorphism reproduction and fertilization is sexual and internal fertilization but embryonic development is outside the body they are oviparous most of the insect but in case of scorpion they are viviparous development is direct and indirect both larval form hai in case of cockroach nymphs and in case of house flies maggots एंड बटरफ्लाई एंड मौत के केसेस में लार्वल फोब किस फॉर्म में होती है कैटरफिलर फॉर्म में इकोनोमिकली इम्पोर्टेंट आर्थरोपोर्ट्स आर एपिस हनी बी सिल्क वॉम लैक इंसेक्ट एंड प्रॉन दे एक्ट एज वैक्टर ऑल्सो इन केस ऑफ मुस्का दे कोज क्लोरेला डायरिया एनोफिलिस क्या कोज करता है मलेरिया क्यूलिक्स फिलियरसिस एंड एडिज कोज करते हैं येलो फीवर ग्रिगेरियस पेस्ट इज लॉक पॉइजनस स्कॉर्पियन वास्प बीज लिविंग फॉसिल, फॉर एग्जाम्पल किंग क्रैप नेक्स्ट फाइलम मोलस्का, बोलिस मीन्स सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी दैट इज कवर्ड बाई कैल्केरियस सेल सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम फर्स्ट कौन सा था आथ्रोपोर्ट सेकेंड है फाइलमोल्स मोलस्का। हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें सो दे आर मोस्टली एक्वेटिक मेरीन एंड फ्रेश वाटर

बॉडी इज इंटरनली सेगमेंटेड इन न्योपेलिना सिमेट्री कैसी रहेगी बायलेटरल सिमेट्रिकल है बट मे बिकम ए सिमेट्रिकल ड्यू टू टोर्सन बॉडी वॉल कैसी रहेगी ट्रिप्लो ब्लास्टिक लोकोमोट्री ऑर्गन रहेंगे जैसे कि मस्कुलर फूड एज अ ल लोकोमोटरी ऑर्गन विच हेल्प इन द क्रीपिंग स्विमिंग एंड बोइंगी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम सिलोम इज प्रेजेंट दे आर यू सिलोम बट रिड्यूज एट द एडल्ट स्टेज एंड रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिकार्डियल कार्डियल कैविटी एक्सक्रीटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग्जाम्पल ऑफ मुलास्का ऑक्टोपस एंड स्नेल इनकी जो ऊपर वाली सेगमेंटेड बॉडी है लाइक स्ट्रक्चर है विसरल हम्प है ये किससे कवर होता है कैल्शियम की बनी शेल से और नीचे की तरफ क्या होते हैं इनके पास फुट होते हैं मस्कुलर फुट प्रेजेंट होते हैं Next is alimentary canal and digestion. Well-developed mouth contain file-like rasping organ, a radula in their mouth help in feeding. Respiration is aerobic respiration, mental cavity, a space between shell and mantle. Contain feather-like gills for respiration. Circulation rehiga open circulatory system. Hemocyanin is blue-colored respiratory pigment. Excretion is basic organs are metanephridia but gills also perform it.

reproduction is sexual fertilization is external and internal fertilization all are oviparous development is direct but usually indirect larva form rethy henki trochophore veliger glochidium in case of mussel and pila few examples are pila loligo octopus and chitin. next is phylum acinodermata these animals have an endoskeleton of calcareous ossicle and hence the name echinodermata means spiny-bodied. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical but larval bilaterally symmetrical. They are triploblastic and silomate animals. Digestive system is complete with mouth on the lower and anus on the upper side. Water vascular system is present which help in locomotion, Capture, sorry, water vascular system which help in locomotion, capture and transport of food and respiration. An excretory system is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexually. Fertilization is externally. Development is indirect with free swimming larva. For example, starfish, sea urchin, sea lily, sea cucumber and brittle star. As shown in this figure, there is a starfish. सो so, आज के लिए इतना ही होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच